तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि चीन में उपचुनाव 28 जनवरी को होगा और जो मतगणना होगी वो 31 जनवरी को होगी। उपचुनाव वहां पर होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर अब जो तैयारियां हैं वो भी इसको लेकर की जाएगी। तो 28 जनवरी को चीन में उपचुनाव होगा, चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है। और आपको बता दें कि इसकी घोषणा हो चुकी है, 31 जनवरी को मतगणना होगी, 3 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा ये कहा है। नामांकन की अंतिम जो तारीख है उसको 10 जनवरी रखा गया है। इसी के साथ 11 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी और आपको बता दें कि 31 जनवरी को मतगणना होगी, यानी कि उपचुनाव की तारीख यहां पर अब साफ तौर पर सामने आ चुकी है, ऐलान चुनाव आयोग कर चुका है। तो जींद में उपचुनाव 28 जनवरी को होगा, केंद्र चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है, 3 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इनेलो विधायक के निधन के बाद से ये सीट खाली है और अब इसको लेकर यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं और 28 जनवरी को ये उपचुनाव होगा। इसी के साथ ये देखिए 31 जनवरी को मतगणना होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। हरिचंद मिड्डा के निधन से ये सीट खाली हुई है, इनेलो के विधायक ये थे, जिसके बाद चीन में अब 28 जनवरी को दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं। तो केंद्र चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, 3 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से इनेलो विधायक के निधन के बाद से ये जो सीट खाली थी, अब चुनाव आयोग कह चुका है कि 28 जनवरी को इस पर चुनाव होगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जानकारी सटीक यही है और सबसे पहले हमने दिखाया है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस जिले में जहां भी इस विधानसभा का क्षेत्र आता है, जिनमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चुनाव आचार संहिता लागू है अभी से, इस नोटिस के जारी होने से ही। और जिस तरह से लगातार आपने ठीक कहा कि इनेलो के विधायक की मौत के बाद ये काफी लंबे समय से थे इसको चुनाव होना था, लेकिन बीजेपी ने इड नगर निगम चुनाव की जीत के बाद ही, कह सकते हैं ये, हालांकि कहा जाता है कि चुनाव आयोग और इसका अलग फैसला होता है सरकार का, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है और उसी माहौल को करते हुए आखिरकार सरकार ने हिम्मत दिखाई है चुनाव को लेकर। और ये चुनाव कई मायनों में अहम रहेगा क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रदेश में किसकी सरकार बननी है, इसका एक पैरामीटर के तौर पर एक बड़ा टेस्ट कह सकते हैं या फाइनल टेस्ट है बड़े चुनावों से पहले, और वो आज तारीखों के साथ सबको मौका मिलेगा। और आज जिस तरह की सरगर्मियां भी थी, खासतौर से बीजेपी के आज जो तमाम संगठन की बैठकें हुई थी, मुझे लगता है कि उसको इस चीज से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने का मतलब है कि अब सारी जो पार्टीज हैं जो जो वहां लड़ेंगी उनके लिए होगा, और यहाँ ये 28 तारीख को चुनाव होगा, 31 तारीख तक रिजल्ट आना है, डेट ऑफ काउंटिंग रखी गई है। और आपका नॉमिनेशन की अगर तारीख की बात कर ले तो 10 जनवरी तक नॉमिनेशन भर सकते हैं। तो सारा बात ये निकल कर आती है कि नगर निगम चुनावों के बाद आखिरकार मौजूदा प्रदेश की सरकार इस चुनाव में जाने के लिए तैयार थी, और अब जनवरी में ये तय होगा कि आखिरकार ये सिर्फ एक दो जीत नहीं थी या फिर कितना पैरामीटर किसके पास है, किस तरह की है। और जींद को एक बहुत बड़े टेस्ट के तौर पर भी देखा जाता है कि जींद से ही हरियाणा की राजनीति शुरू होती है और वहां से जो जीत निकल कर आएगी वो अगले इलेक्शन में कह सकते हैं कि एक बड़ी पिक्चर दिखा सकती है, साफ पिक्चर दिखा सकती है। जी विनोद, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो 28 जनवरी को जींद में उपचुनाव होगा, आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, इसी के साथ 3 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 10 जनवरी रखी गई है और इसी के साथ 31 जनवरी को मतगणना होगी। तो इनेलो विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव 28 जनवरी को होगा।